हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिदास गार्डनिंग। आज मैं आपको अपने कैलेंडुला के प्लांट्स दिखाऊंगी, ये देखिए। और इसे दिखाने का मेरा पर्पस है, आप लोगों को ये प्लांट दिखाने का मेरा उद्देश्य है। ये देखिए मैंने इसे किस चीज़ में ग्रो किया है, आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे कंटेनर है। मैंने इसमें इसके सीड्स ग्रो किए थे और बस मैं ये देखना चाहती थी कि इसमें ठीक तरह से प्रोपोगेट होगा या नहीं। तो देखिए, देख पा रहे होंगे आप, और ये कितने अच्छे से इसमें ग्रो कर रहा है। ये इसमें से इतनी ब्रांचेस निकली हुई है और इनमें भी बर्ड्स आ रही हैं। ये देखिए, ये एक ही फ्लावर है, ये फ्लावर खिला तभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। ये देखिए, ये अच्छी ग्रोथ है इसमें। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ये एक सीजनल प्लांट है, तो ये विंटर के टाइम ही फ्लावरिंग करता है। और आप इसे इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब ये सूख जाए इसके फ्लावर, तो आप इसे रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोपोगेट करने के लिए। ये अभी शायद बढ़ ही है थोड़ा, अभी पूरा खिला नहीं है, शायद खिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक फुल्ली सनलाइट में रहने वाला पौधा है, जो कि सन लविंग प्लांट है, और ये बहुत ईजिली ग्रो कर लेता है। देख पा रहे होंगे आप मेरे प्लांट्स, आप इसे सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स आपको नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या नर्सरी वाले इसके छोटे छोटे प्लांट्स भी सेल करते हैं, आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं। ये दो कलर्स में होता है, एक ऑरेंज और ऑरेंज येलो टाइप, और एक ये आप देख पा रहे होंगे येलो। इसके बारे में मुझे नहीं पता अब ये कौन सा कलर होगा, जब ये हो जाएगा, खिल जाएगा, तब मैं इसका भी वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ये देखिए, मुझे बस ये प्लांट आपको दिखाने का पर्पस यही था कि मैंने इसे किस चीज में ग्रो किया है। देखिए, देखिए, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।